हेलो फ्रेंड्स, रेसिपीज़ फ्रॉम इंडियन किचन में आपका स्वागत है। आज हम लोग परवल की सब्ज़ी बनाने वाले हैं, मसाला परवल। परवल वैसे तो हमारे घर में डेली ही बन जाती है, लेकिन लोगों को बहुत पसंद नहीं आती, इसीलिए थोड़ी ट्विस्ट के साथ आज हम लोग परवल की सब्ज़ी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले परवल को हम लोग इस तरीके से बीज से काट लेंगे। अगर इसमें मोटे बीज होंगे तो उसे भी हम लोग निकाल लेंगे। इस तरीके से आप इसमें से बीज निकाल सकते हैं। ये देखिए, परवल को धो करके इसी तरह सारे परवल को हम लोग बीज से इस तरीके से काट लेंगे। अगर बहुत मोटा बड़ा परवल है तो इससे हम लोग चार टुकड़े भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसको मैं एक बार और बीच से काट दे रही हूँ। इस तरीके से हम लोग सारे परवल को काट लेंगे। तो इस तरीके से परवल ले लेंगे और साथ में दो मीडियम साइज़ के आलू भी काट लेंगे, जिस भी शेप में आप काटना चाहें। एक कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे। तेल जितना आप नॉर्मल इतने परवल के लिए लेते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि ये परवल पहले तेल में ही भुनना है। तेल गर्म होते ही हम जीरा ऐड करेंगे और अब हम अपने परवल को इसमें डाल देंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे हम इस सारे परवल को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से परवल का कलर चेंज होने लगा है। इसी तरीके से हमें और भूनना है और सारे परवल को इसी तरीके से ब्राउनिश भून लेना है। आप चाहें तो इसे ढककर भी भून सकते हैं ताकि तेल का छींटा ना पड़े। इस तरीके से हम इसे भून लेंगे। ये देखिए, परवल हमारा भून चुका है। इस तरीके से ब्राउनिश हो गए हैं सारे परवल। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू आप चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जितना चाहें ऐड कर लीजिए। अब हमें आलू को भी हाई फ्लेम पे ही करारा भून लेना है। तकरीबन 10 मिनट हमें लगे थे परवल को भूनने में और 7 से 8 मिनट लगेंगे आलू को भी भूनने में। ये देखिए, आलू भी ब्राउनिश कलर में ये क्रिस्पी भून रहा है। आलू भी हमारा भुन गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ली है, थोड़ा सा हल्दी लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने 1.5 टीस्पून कलौंजी का मसाला लिया है। आपके पास कलौंजी का मसाला अवेलेबल ना हो तो आप गरम मसाला और धनिया पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। आलू गल गए हैं इसीलिए मैं इसी टाइम पे इसमें 1 टीस्पून आमचूर पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, अब हम इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोट हो जाए मसाले। नमक स्वाद अनुसार हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपको तेल एक्स्ट्रा लगे तो मसाले डालने के पहले आप इसमें से किसी चम्मच की सहायता से एक्सेस तेल निकाल सकते हैं। अब हम इसमें लिड लगा करके थोड़ी देर के लिए मसाले और नमक को अब्सॉर्ब होने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट ढकने के बाद इसे एक बार हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर ढेर सारी धनिया से की गार्निशिंग करेंगे। ये देखिए, गैस ऑफ कर देंगे और अब ये सर्विंग के लिए तैयार है मसाला परवल। ये देखिए, परवल की सब्जी तैयार है।